नमस्कार बाबा। कैसे हैं बाबा? बढ़िया बाबा। खाना खाया आपने? खाना तो बेटे मैंने खा लिया। बाबा आप क्या करते हो? करता तो बहुत कुछ था लेकिन क्या करूँ, किस्मत खराब हो गई। क्या हुआ बाबा आपके साथ? क्या हुआ, मैं बीमार हो गया और मैं हॉस्पिटल चला गया। क्या दिक्कत हुई थी बाबा? दिक्कत क्या है, दर्द था मेरे को। अच्छा, तो परेशानी मेरे को ये थी और काम मेरा छूट गया। क्या काम करते थे? झाड़ू पोछे का भी काम करता था और वो ड्यूटी दे करके ना अपने सुबह सुबह 4 बजे आता था वहाँ झाड़ू का काम करना। अपना जो भी अपना काम है वो अपना जो बता देते जो भाई ये काम है ये काम पूरा कर और आराम से दे। तो आप वो काम करते थे? वो काम करता था। तो बाबा कितने पैसे कमा लेते थे आप पहले महीने में? बेटे मैं वो मिलते थे वहाँ 8,000 रुपये। अच्छा, अब बाबा आप क्या करते हो? अब कुछ नहीं, भीख मांग रहा हूँ। भीख मांगते हो? अब क्या करूँ, पेट बस की नहीं, चलना बस की नहीं, बैठ जाता तो उठा नहीं जाता। अच्छा, अगर हम घर भी चला गया तो साथ देने वाला नहीं है। बाबा अगर हम आपकी मदद करना चाहें तो हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? बस यही क्या मदद है, बस ये अपना कोई ऐसा काम दिलवाओ। कोई काम करना चाहोगे? हाँ, अब शर्म आती है। अच्छा जी, कोई अपना गांव मतलब कोई बंदा अपना मिलने चुनने वाला है, अगर वो मिल जाएगा तो मैं नीचे नाल करके जाता हूँ उसके सामने। हाँ, मतलब वो छुपना पड़ मुँह छुपाना पड़ता है। हाँ। बाबा कोई दिन ऐसा भी जाता होगा जिसमें आप खाना नहीं खा पाते? नहीं खा पाता नहीं, अब क्या करूँ, सब्र करना पड़ता था। तो रात को भूखे सोते थे? भूखा सो जाता था, क्या करते थे? अच्छा बाबा, बाबा बाबा आप रो मत, बाबा आप मेरे दादा की उम्र के हो, आप रो मत बाबा, आप रो मत, हम आपके पास आए हैं ना चलकर, हम आपकी मदद करेंगे आपको। नहीं बाबा रोना नहीं है। नहीं रोने लगा बाबा, हर आदमी की एक इच्छा होती है। आपकी क्या इच्छा, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं आपको? बस मेरी मदद तो यही हो सकती है कि बस मैं अपना अपने पैरों पर थोड़ा खड़ा हो जाऊँ और कुछ ना कुछ धंधा इलाज कर लूँ। बाकी अपना ये भीख मांगने से तो बचूंगा, खाने लायक पैसे तो आ जाएंगे मेरे पास। ये बात आपने बहुत अच्छी कही बाबा कि आप भीख मांगना नहीं चाहते। मैं भीख मांगना नहीं चाहता बस। बाबा एक बात बताओ, हम आपका मास्क का काम शुरू करवा दें? हाँ सर, बहुत बढ़िया काम है, बहुत बिकेगा। बेच लोगे? हाँ बेच लूँगा। आपको पहले कपड़े दिलाते हैं आप? सही है बाबा, बताओ। हाँ सही है, सही है बाबा ये। हाँ सही है, पसंद है? हाँ। दिखा दो, चाहे दो शर्ट हो गई बाबा आपकी। हाँ बस, अब मेरे को कोई टेंशन नहीं। नहीं बाबा अभी एक पजामा और। टेंशन नहीं है बिल्कुल। अब पहले तुम्हारी कटिंग कराएं, कटिंग और शेविंग कराएंगे, फिर निलवाएंगे, फिर काम शुरू करेंगे। अच्छा भैया, बाल इनके छोटे कर दीजिएगा और बाबा दाढ़ी बिल्कुल साफ करानी है। हाँ साफ। मूछें? मूछें रखनी है। मूछें रखवा दीजिएगा हल्की से। बाबा देखो एक बार शीशे में, एकदम जवान बन गए आज तो आप। सही कह रहे हैं बिल्कुल, वाकई में सही कह रहे हैं। और आज शेविंग कितने दिन बाद कराई है बाबा? मैंने 4-5 महीने। 4-5 महीने हो गए थे? अब तो मालिक की दुआ हो गई, पैसे नहीं आते थे, मैं भी सोचता था अब मैं खाना खाऊं या दाढ़ी बनवाने जाऊं। हाँ हाँ, ये आपके मास्क आ गए हैं, अब आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। नहीं, नहीं, नहीं। अपना आराम से बेचना इन मास्क को, 40-50 रुपये का बिक जाएगा ये मास्क। बाबा चलते हैं हम। चलो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सार्थक। जैसा कि अंकल जी ने हमें बताया, अगर इनके गांव से कोई भी आता था तो ये उसे फेस नहीं कर पाते थे, लेकिन अब इन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये अपने पैरों पे खड़े हैं। दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, अगर आपको इस तरह का कोई भी व्यक्ति मिले जो लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से काम ना कर पा रहा हो, दोस्तों उसे सपोर्ट करें।
ये उसका काम शुरू करवाएं। ये काम शुरू 2,500-3,000 रुपए में हो जाता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं लगता है। दोस्तों अगर आप हमें कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।